प्रदेश की जनता पूरी तरह इस सरकार से तंग है। बहुत जल्दी हरियाणा प्रदेश के लोग इस सरकार से छुटकारा चाहते हैं। मनोहर लाल का जो अहंकार था वो अहंकार इतना ज्यादा लोगों को परेशान किया उन लोगों ने। भाई मुख्यमंत्री है क्या, डंडे उठा लो, मुख्यमंत्री क्या बच्चे को चांद पे भेज देंगे, तो लोग उसको बदलना चाहते थे। इन्होंने चेहरा बदल गए, लोगों को धोखा देने का प्रयास किया, परंतु आज लोगों के साथ साथ इनके जो समर्थन देने वाले MLA थे आज उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी को समर्थन किया है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सरकार के लिए दिक्कत है और सरकार कहीं ना कहीं अल्पमत में होने जा रही है। तो 3 विधायक आज कांग्रेस में आ गए हैं, निलोखेड़ी के भी विधायक। विधायक जनता की आवाज समझते हैं, आज जनता की आवाज जो है इस सरकार के खिलाफ है। जनता इस देश और प्रदेश की सरकार को बदलना चाहते हैं। विधायक भी जो लोग चुनते हैं, तो लोगों की आवाज को देखते हुए उन विधायकों ने आज कांग्रेस का समर्थन किया। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कांग्रेस इनकी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं, इसलिए कांग्रेस में जा रहे हैं। जब तक मुख्यमंत्री के पास थे तो ये बहुत अच्छे थे, और जब मुख्यमंत्री से उनका विश्वास उठ गया तो आज कांग्रेस पे रोक ला रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इस प्रदेश के हर वर्ग की रक्षा करेगी। कांग्रेस पार्टी हर वर्ग के साथ खड़ी है और निश्चित रूप से इस लोकसभा चुनाव में हम सारी सीटें जीतेंगे और अगले विधानसभा में के अंदर प्रचंड बहुमत से कांग्रेस पार्टी सरकार।